बन जाए न कोई कहानी, देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे। दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की और इस फिल्म ने अब तक 410 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। और शाहरुख खान की फिल्म जवान ने गदर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है और जवान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अनुमानों के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जल्द ही 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 650 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और जल्द ही ये फिल्म 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म तेलुगु और तमिल में भी रिलीज की गई है और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा भी है, विजय सेतुपति के साथ दीपिका पादुकोण भी हैं, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है और इन्हीं की भूमिका को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। कई बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों ने भी इस फिल्म को देखा है और अपना रिएक्शन दिया है। इसी कड़ी में दोस्तों आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। हेमा मालिनी का कहना था कि फिल्म काफी जबरदस्त है, इस फिल्म की स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी और शाहरुख खान का एक्शन भी इस फिल्म में काफी ज्यादा दमदार है और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी इसमें शाहरुख खान का डबल रोल है और इस फिल्म में शाहरुख खान की एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आगे हेमा मालिनी ने कहा कि शाहरुख खान मेरे बेटे जैसा है और मैं उनकी हर फिल्म देखती हूँ, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आती है और वो यूं ही नहीं बॉलीवुड के बादशाह कहा जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने दीपिका पादुकोण की भी तारीफ की है। हेमा मालिनी ने कहा कि दीपिका पादुकोण का रोल भले ही छोटा हो लेकिन काफी ज्यादा दमदार है और इन दोनों की जोड़ी तो हर फिल्म में जमती ही है और इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने भी काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, औरंगाबाद जैसे बड़े शहरों में की गई है। फिलहाल दोस्तों आपका हेमा मालिनी के रिएक्शन पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।